Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss The Crucible by Arthur Miller. It is a very classical and interesting drama written in the backdrop of witchcraft hysteria and its consequences. Let's start. The word crucible means pot, which is used for heating a substance or material in order to remove the baser elements. Usually chemists and goldsmiths use this pot in order to obtain precious metals in their pure form. The chemist and jo sunar hain wo is bartan ko use karte hain baser elements ko ya mitti ya dusre elements ko nikalne ke liye aur एक प्योरिफाइड फॉर्म लेने के लिए सारी चीज फिगरेटिवली इट आल्सो सिग्निफाइज द स्फीयर सिस्टम एंड सिचुएशन इन दिस सेंस द टाइटल द क्रूसिबल इज क्वाइट एप्ट एंड रेलेवेंट टू द प्ले वी आर फोकसिंग द क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन इज द टाइटल फॉर क्रूसिबल इज एप्ट और What is the significance of the title of the Crucible? This could be the question in the university exam. So we have prepared these notes for you, especially learn them, and you are free to use them. So let's start again. In this sense, the title, the Crucible, is quite apt and relevant to the play. Title is like the signboard of a shop. As the signboard reveals what is the material available at the shop, similarly a good title helps the reader to judge the themes and concerns of the play. The religio-political situation that was depicted in the play, there can be nothing more testing and difficult for a poor illiterate individual. The existing legal system of Salem makes the vengeance awfully easy. जैसे कि आप जानते हैं कि ये सारा प्ले एक सैलम मासाचुसेट्स की एक स्टेट है मासाचुसेट्स अमेरिका की और उसके एक शहर सालम में ये सारा प्ले अब दिखाया गया है कि ये वहाँ पे हुआ सारा वाकया तो ये उस वक्त के ज़माने की जो रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्टिविटी या सिचुएशन थी और लोग कैसे अपने मुखालफीन को दबाने की कोशिश करते थे या उनसे बदला लेने की कोशिश करते थे और उनके ऊपर क्या एक्विजिशन डालते थे वो सारा हम इसमें पढ़ने की मुख्तसर सी कोशिश करेंगे अब हमारी वीडियो देखते रहिए और समझने की कोशिश करते रहिए कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट्स में लिख के भेजिए ओके यस स्वीपिंग एक्विजिशन कैन थ्रो अ पर्सन इन टू डिस्ट्रिक्शन एक सादा सा इल्ज़ाम किसी पर लगाते हैं और कि जी ये काला जादू करता है या विचक्राफ्ट है और वो उसको तबाही की तरफ धकेल देते जजेस एज वेल एज प्रोसिक्यूटर्स आर एज सुपरस्टिशियस एज द पीपल ऑफ दैट एरिया अ श्रूड पर्सन कैन इजीली गेट रेड ऑफ हिज एनिमीज बाय सिंपली एक्यूजिंग देम ऑफ विचक्राफ्ट कोई भी तेज तरार दिमाग का आदमी अपने मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ाम लगा के कि जी ये काला जादू या विचक्राफ्ट कर रहा है और उसकी वजह से वो जजेस को और वो इतना हिस्टीरिया क्रिएट हो जाता था कि वो सारे कुछ और सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे वो समझते थे बस ये जो कह दिया है वो ठीक है एन एक्सटॉर्टेड कन्फेशन अ श्रूड पर्सन कैन इजीली गेट रिड ऑफ हिज एनिमीज बाय सिंपली एक्यूजिंग देम ऑफ विचक्राफ्ट एन एक्सटॉर्टेड कन्फेशन इज एन ईजी थिंग ऐसे चलते चलते किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और एक्सटॉर्टेड कन्फेशन का मतलब है फोर्सफुली कन्फेशन उसे ले लिया गया उसे इकरार जुर्म फोर्सफुली करवा लिया गया नोबडी बॉदर्स और इन्वेस्टिगेट्स दैट वेदर द एक्यूजेशन इज ट्रू और फॉल्स सो द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ क्रूसिबल इज जस्टिफाइड बाय इट्स क्रूशल स्टोरी The literal meaning of this word is a large pot used by the witches in which they add dirty and obnoxious ingredients of devilish recipe while boiling
इट्स वेपर्स और स्टीम इनवोक्स द इवल स्पिरिट्स, इसके अंदर गंध बला और वो सारी जो डिवेलिश रेसिपीज, जो शैतानी मामलात हैं, अमलियात हैं, वो करते हैं, और उसके अंदर गंध बला डाल के उसके ऊपर पकाते हैं, और वो जो वेपर्स और स्टीम है वो इवल स्पिरिट्स को इन्वोक करती हैं। इन द प्ले वी फाइंड अबिगेल, अ कैरेक्टर ऑफ द प्ले, अबिगेल विद हर फ्रेंड्स इन द वुड्स वेयर दे हैव ए कैटल इन विच दे आर एडिंग इंग्रेडिएंट्स डिक्टेटेड बाय तशुबा। तशुबा इज योर ब्लैक सर्वेंट, अ ब्लैक सर्वेंट ऑफ पेरिस। पेरिस एक फैमिली का नाम है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली। हेयर वी मे इम्प्लाई दैट सैलम इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज ए क्रूसिबल वेयर वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंट्रीग्स, स्कीमिंग एंड चीटिंग इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द ग्रेटेस्ट हाइप ऑफ द टाउन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स टाइटल इज दैट जॉन प्रॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द प्ले, जॉन प्रॉक्टर एक्सपीरियंस द हीट ऑफ सिवियर एंड हार्ड मोमेंट्स विच रिजल्टेड इन टू हिज पर्गेशन। वाइल फेसिंग द टफेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ ही अमर्ज्ड एज ए बेटर एंड प्योरिफाइड इंडिविजुअल हूज मोरालिटी समवट इम्प्रूव्ड। यानी क्रूसिबल एक पॉट बन गया, सालम एक पॉट बन गया, और वहां पे उसके अंदर जो प्रॉक्टर को वो सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी अभी गेल की वजह से, और उनसे निकल के वो प्योरीफाई होके एक मॉरली एक इम्प्रूव्ड इंसान के तौर पे उभरा। द कोर्स ऑफ द इवेंट्स नरेट्स दैट अबिगेल ऑन द एक्यूजेशन ऑफ बीइंग इनफिडल एंड इम्प्योर हैज रिजाइंड फ्रॉम हर जॉब। अबिगेल का प्रॉक्टर के साथ अफेयर था, और वो उसने उसकी प्रॉक्टर की मिसेज प्रॉक्टर से जान छुड़ाने के चक्कर में उसने मिसेज प्रॉक्टर पे विचक्राफ्ट का इल्जाम लगा दिया, और ये सारा हिस्टीरिया तब क्रिएट हुआ था। क्योंकि हम टाइटल का सिग्निफिकेंस बयान कर रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसमें आप देखेंगे कि हम क्रूसिबल के ऊपर एक सैर हासिल तबसरा और वीडियो बना के आपको यहाँ पे देंगे, और ऑब्वियसली इजी नोट्स तो अवेलेबल है ही है यहाँ पे। दिस एक्सपीरियंस एम्बिटर्स हर एंड डिटरमिन्स हर टू टेक रिवेंज ओवर हर इंसल्ट। She accuses Elizabeth of being involved in witchcraft. Elizabeth is the name of the wife of John Proctor. अब उसके ऊपर उसने witchcraft का इल्जाम लगा दिया Abigail. The only option left for Proctor is to confess of his adultery with Abigail. But in this disclosure, His own good name will be at stake. कि वो अभी एक ही ऑप्शन रहेगी प्रॉक्टर के पास कि वो जो एडल्ट्री उसने कमिट की है उसके साथ, जो अफेयर चलाया है अबिगेल के साथ, उसको कमिट कर ले, और इसकी लेकिन इस डिस्क्लोजर के बाद उसको अपना जो नेक नामी है वो वहाँ से उसको गंवानी पड़ेगी। प्रॉक्टर हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन द टू हार्ड पॉसिबिलिटीज। वन इज टू सेव हिज वाइफ एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज टीचर। या तो वो अपनी वाइफ की कुर्बानी दे दे और अपने आप को अपनी वाइफ की जान बचा ले और अपने आप को एक लीचर या धोखेबाज साबित कर दे, या वाइल ऑन द अदर हैंड लीव हिज वाइफ, या फिर अपनी वाइफ की कुर्बानी दे दे क्योंकि उसके ऊपर विचक्राफ्ट का इल्जाम लग गया है, अबिगेल ने लगा दिया। प्रॉक्टर वेंट फॉर द फर्स्ट बट हिज कन्फेशन वॉज आयरॉनिकली नलिफाइड बाय हर फेथफुल वाइफ। द सिचुएशन बिकेम ग्रेम एंड ही वॉज फोर्स्ड बाय द रेवरेंड टू कन्फेस दैट हिज एडल्ट्री वॉज अ रिजल्ट ऑफ विचक्राफ्ट वर्कड अपॉन हिम बाय अदर्स। अब रेवरेंड पेरिस एक वहाँ पे प्रोसिक्यूटर है और करेक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रामे का। एट फर्स्ट प्रॉक्टर एग्रीड टू इट बट द प्रिकी कंसाइंस लीव हिम नॉट सो। यानी उसकी जो जमीर था वो उसको कहता रहा कि नहीं नहीं मैं ये अपने ऊपर नहीं, ये नहीं कह सकता कि मैंने ये जो कुछ भी किया है ये विचक्राफ्ट के जरिए असर किया है, जो पता नहीं किसने मेरे ऊपर कर दिया था, किसी और के ऊपर इल्जाम लगा सकता था।
लेकिन प्रॉक्टर ने ऐसा नहीं किया. एट लास्ट ही मेड अप हिज माइंड टू गिव अप हिज लाइफ एज ए मार्टायर इन द नेम ऑफ हिज इंटेग्रिटी, यानी अपनी इज्जत के ऊपर अपने अपनी जान कुर्बान कर ली थी. आर्थर मिलर हैज एप्रोप्रिएटली नेम्ड इट द क्रूसिबल बिकॉज जॉन प्रॉक्टर अचीव्ड परफेक्शन एट द एंड बाय लीविंग बिहाइंड ऑल द वाइस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ हिज कैरेक्टर. उसकी जो भी बुराइयां खामियां थी अब करैक्टर की वो पीछे छोड़ के उसने आगे निकल गया, उसने मौत को कबूल कर लिया, इज्जत की कुर्बानी नहीं. इन दिस प्ले देयर आर इम्प्लीकेशंस टू द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अमेरिका एज वेल एज इट आल्सो सिंबलाइजेज द स्ट्रगल फ्रॉम विच अमेरिकन्स गेन्ड डेमोक्रेसी आउट ऑफ कम्युनिज्म. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जेन में रखिए. The Crucible is a social satire, a criticism on the negative behaviors out of which at last the positivity was born, but the things were never easy. People have to give their lives to achieve a prosperity and betterment not only in the characters but also in the society. सिर्फ अपनी बेटरमेंट के लिए नहीं अपने मुआशरे की इसलाह के लिए भी काम करना चाहिए. The Crucible is a play of sufferings and hardships resulting into improvement, enlightenment and perfection. A man is never entirely good or completely bad. He is a fusion of these two elements. There is an inclination towards evil, but with the process of life, a man or even a nation is distilled from the impurities. In the terms of man, Proctor gives away his life to attain a spiritual rest. He left a good name behind him and preferred to die than to live in meanness. कमतर जिंदगी नहीं गुजार सकता था वो. उसने इज्जत को मौत को ज्यादा प्रेफर किया बजाय इसके कि उसका जमीर उसको सारी जिंदगी कचूके लगाता रहता. The final decision of Proctor is approved of and appreciated by his beloved wife, who saw it as a thing which lagged in his personality, will now illuminate him more than ever. Having examined the title of the play for various angles, we conclude that The Crucible is an apt title for the play. It fits the theme and the action.